हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रचना पुरोहित। आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में। 1868 में फ्रेडरिक मीशर ने पस सेल्स के अंदर से उसके न्यूक्लियस में से एक सब्सटेंस को अलग किया था। पस सेल्स का उसने HCl के द्वारा डाइजेशन कराया। उसके बाद एक प्योर मटेरियल उसने प्राप्त किया था, जिसे उसने न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिन में क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इन 1889 में ऑल्टमैन ने इसका टर्म या नाम जो है वो न्यूक्लिक एसिड कर दिया। बाद में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स की एग्जिस्टेंस देखी गई, डीएनए एंड आरएनए। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस प्रेजेंट होती हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल संरचना, फंक्शन, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं डीएनए। डीएनए जो है मुख्य तौर से न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम्स में उपस्थित होता है। कुछ एक अमाउंट में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो सभी बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रल पोजिशन रखता है। यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का स्टोर हाउस है। न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस जो होते हैं डीएनए, वो प्रोटीन्स और एंजाइम्स को कोड करते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेलुलर कॉम्पोनेंट्स के संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल जो है सेल में लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, जो कि प्रोटीन्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है। डीएनए जो है वो सभी एनिमल और प्लांट सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और ऑलमोस्ट सभी वायरसेस में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। अब हम इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं। डीएनए अनेक मोनोमर यूनिट्स, जिन्हें कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, से बना होता है। हर एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में तीन कंपोनेंट होते हैं। पेंटोज शुगर, डीएनए के मैटर में हम इसको डीऑक्सीराइबो शुगर कहते हैं। नाइट्रोजिनस बेस, या तो प्यूरिन होता है या पिरिमिडिन, फॉस्फोरिक मॉलिक्यूल। पेंटोज शुगर, डीएनए में पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज होती है। सिमिलर पेंटोज शुगर, जिसको कि हम राइबोज कहते हैं, वो आरएनए में उपस्थित होती है। डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर? डीएनए के अंदर शुगर रिंग में दो नंबर पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको हम 2-डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। ये क्या करता है? डीएनए को अधिक स्टेबल बनाता है। डीऑक्सीराइबोज को हम फ्यूजन स्टेन के द्वारा स्टेन कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दी गई हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस डीएनए में दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो हैं डाइसाइक्लिक होते हैं और इनके अंदर एक 5 और 6 मेंबर रिंग जो होती है वो जुड़ी हुई रहती है। प्यूरिन्स दो प्रकार के होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन्स जो होते हैं ये मोनोसाइक्लिक होते हैं, 6 मेंबर रिंग होती है। पिरिमिडिन भी दो प्रकार के होते हैं, थायमिन एंड साइटोसिन। आरएनए के अंदर थायमिन जो होता है वो यूरेसिल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। डीएनए जो है इसमें 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, जबकि आरएनए जो होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो शुगर मॉलिक्यूल से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। बॉन्ड शुगर कार्बन के फर्स्ट कार्बन पर और नाइट्रोजन के पोजिशन नंबर 1 पर जुड़ा हुआ रहता है। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो डीऑक्सीराइबो शुगर के 5- कार्बन पर एक न्यूक्लियोटाइड के और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबो शुगर के 3rd कार्बन पर जुड़ा हुआ रहता है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड को स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवाता है। बॉन्ड जो है वो फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबो शुगर के बीच का, उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड की संरचना में नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो शुगर से जब जुड़ जाता है तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और न्यूक्लियोसाइड जो है इसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड कहेंगे, क्योंकि डीऑक्सीराइबो शुगर से जुड़ता है। 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, डीऑक्सीएडिनोसिन, डीऑक्सीग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडिन एंड डीऑक्सीथायमिडिन। न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा? अब ये जब इन न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक एसिड आकर के जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सी, या डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड एंड डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक प्लूर में प्रेजेंट होते हैं।
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है इन ट्राइफॉस्फेट्स पर क्रिया करता है। पॉलीमराइजेशन कैसे होता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो पॉलीमराइजेशन में जाते हैं, जिससे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लगातार रिपीटेटिंग यूनिट के रूप में इकट्ठे होते जाते हैं। ये एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। पास पास उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का 5-C कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3-C कार्बन, इन पर ये जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड में पोलैरिटी पाई जाती है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है यदि हम उसको 3-5 डायरेक्शन में लिखते हैं तो अपवर्ड ऊपर की तरफ 3-5 डायरेक्शन एंड 5-3 डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। तो दूसरा स्ट्रैंड जो होता है इसका एंटी पैरेलल होता है वो 5-3 डायरेक्शन में लिखा जाता है। न्यूक्लियोटाइड से होते हैं न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो होती हैं शुगर फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल फॉर्म द बैकबोन ऑफ द ईच स्ट्रैंड लिंक बाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बैकबोन्स क्या बनाते हैं? देखो नीचे ये डायग्राम दे रखा है, इसमें शुगर और फॉस्फेट ये तो क्या बना रहे हैं? बैकबोन बना रहे हैं। और इनके बीच में क्या जुड़े रहते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस जुड़े हुए रहते हैं जो कि स्टेयर्स बनाते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए, डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में रहती है। 4 न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। 4 बेसिस जो हैं एडिनिन ग्वानिन थायमिन एंड साइटोसिन होते हैं जो कि जेनेटिक मैसेजेस को लेके जाते हैं। चारगोफ का रूल क्या कहता है? 1950 में चारगोफ ने बेस कॉम्पोजिशन जो डीएनए में उपस्थित होते हैं उसका एनालाइज किया था और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया था। उसने निष्कर्ष निकाला कि प्यूरिन का रेशो जो होता है एग्जैक्टली पिरिमिडिन के रेशो के बराबर होता है। इस प्रकार एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो साइटोसिन और थायमिन के बराबर होते हैं। बाद में उसने ये निष्कर्ष निकाला कि एडेनिन जो होता है वो थायमिन के इक्वल होता है, साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के इक्वल होता है। हालांकि एडेनिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन रेशो जो होता है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी कर सकता है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर या ह्यूमन स्पर्म के अंदर 1.62 होता है, यीस्ट में 1.79 और बैक्टीरियोफेज के अंदर 1.86 होता है। नेक्स्ट एक्सरे क्रिस्टैलोग्राफी स्टडीज। एक्सरे क्रिस्टैलोग्राफिक स्टडीज़ जो हैं डीएनए की वो एब्सरी ने दी थी। इसके अकॉर्डिंग डीएनए की 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर का बताया गया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा ये बताया गया। विल्किन रोजेलिन फ्रैंकलिन और दूसरे लोगों ने ये बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है दोनों जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से 20 एंगस्ट्रॉम पर या 20 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर होते हैं। देखो आपको डायग्राम के अंदर दिख जाएगा ये जो मेजरमेंट्स हैं बस वही हैं। एक्सरे क्रिस्टैलोग्राफी क्या क्या कहा था इसने? दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। मेजर ग्रूव्स जो हैं एक ग्रूव से या एक ग्रूव से दूसरे ग्रूव की लंबा थिकनेस जो है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। एक पूरे हेलिकल के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एक कंप्लीट हेलिकल की हो गई 34 एंगस्ट्रॉम, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम और दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की डायमीटर जो है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था। इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्या होती है डीएनए की? डीएनए मॉलिक्यूल में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, एक दूसरे से ट्विस्टेड या जुड़े हुए रहते हैं जो कि वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है। फॉस्फेट शुगर बेस कॉम्पोनेंट पाया जाता है। प्रत्येक स्ट्रैंड जो होता है ऑल्टरनेटिंग शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। बेसिस जो होते हैं इनके बीच बीच में परपेंडिकुलर उपस्थित होते हैं। ये स्टेयरकेस के स्टेप्स के जैसे जुड़े हुए रहते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में एडेनिन जो होता है वो थायमिन से और साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन से जुड़ा हुआ रहता है। एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ता है और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ता है। दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें एक सीक्वेंस पता है तो हम दूसरे का सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। डिफरेंट टाइप के डीएनए हैं बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए एंड जेड डीएनए।
बाकी सारे के सारे जो हैं राइट हैंडेड हैं। जेड डीएनए जो है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो होता है ये हम जो देख रहे हैं वो कौन सा है, हमारा जेड डीएनए। इसके अंदर जो ये हमारा है नेक्स्ट अलग से जो होता है जेड डीएनए अलग है। इसके अंदर 12 बेस पेयर्स होते हैं। ये हमारे नॉर्मल जो डीएनए है उससे हट करके इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ओरिजिनल जो हम डीएनए देखते हैं वो होता है हमारा बी डीएनए, जिसकी हमने अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो डीएनए देख रहे हैं ये उससे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। जेड डीएनए जो है जिगजैग पाई जाती है, लेफ्ट हैंडेड इसकी कॉइलिंग पाई जाती है। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, एंड लास्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ डीएनए। इनहेरिटेंस का काम करता है, प्रोटीन्स और एंजाइम्स के संश्लेषण का कार्य करता है। थैंक यू।